अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने हाल ही में बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर पर कई तरीके के संगीन आरोप लगाए थे, जिसका नाना पाटेकर ने खुलकर विरोध किया और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने तक की बात कही। लेकिन कौन जानता था कि ये मामला इतना गंभीर रूप ले लेगा कि पूरे बॉलीवुड में ही इसकी गूंज सुनाई देने लगेगी। दरअसल तनुश्री ने नाना पाटेकर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद फिल्म के कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने तनुश्री के इन आरोपों को बेबुनियाद करार दे दिया। इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड सितारों की भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां सितारे नाना के सपोर्ट में नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जो तनुश्री के साहस को सलाम कर रहे हैं, जिनमें प्रियंका चोपड़ा, ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर जैसे कई नामचीन अभिनेत्रियां शामिल हैं। ऐसे तो तनुश्री ने अक्षय कुमार पर भी नाना के साथ काम करने को लेकर तीखा प्रहार किया था, लेकिन इसके ठीक उलट उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना तनुश्री का पक्ष लेती हुई नजर आई। लेकिन तनुश्री को शायद ये गवारा नहीं हुआ, तभी तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इशारों इशारों में ये कह दिया कि जो भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वे सभी सच्चे नहीं हैं। बहरहाल इस कहानी में आगे वक्त के साथ क्या नया मोड़ आता है और कितने रास्ते पर्दा उठता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वाक्य ने कहीं ना कहीं बॉलीवुड को भी दो भागों में बांट कर जरूर रख दिया है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नव भारत टुडे। Oh,